हेलो भाइयों, मैं विवेक गुप्ता, बड़े दिनों बाद अपने चैनल पे। और आज मतलब आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि अभी सुबह हमने 5 बजे नहीं, शायद 7 बजे गाड़ी खड़ी की थी यहाँ पे अपनी। और अभी टाइम कितना हो रहा है, मेरे पास तो कोई वॉच इधर है नहीं, 12 बज रहे। तो करीबन वही कितना 7 बजे खड़ा किया था, 12 वही 4-5 घंटे हुए। 4-5 घंटे मैंने गाड़ी ऐसी ऑन छोड़ दी थी, ऐसी देखो पार्किंग लाइट ऑन करके। और अब समस्या क्या आ रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बैटरी पूरी उतर गई है। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा इल्यूमिनेशन था, अब वो भी नहीं है। अभी देखो मैं गेट खोलता हूँ, यहाँ पर हल्का हल्का लाइट आ रहा है, हल्का हल्का। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपकी गाड़ी 2-3 साल, मतलब 2 साल पुरानी ऑब्वियसली हो जाए या 3 साल, तो आपकी बैटरी डेड हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और ऐसा कभी भी ना करें। अभी देखते हैं कैसे ये स्टार्ट होता है। ये देखो चाबी मेरे पास है, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ, ये और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ से, लेकिन लाइट ऑन हो रही है। ये बहुत हल्की हल्की इल्यूमिनेशन देखो कितनी हल्की है भाई, ऑन हो जा। और अभी भी निकलना था यार इमरजेंसी में, थोड़ा और फंस गए, इसको चार्जिंग के लिए लगवाना पड़ेगा। बहुत ही समस्या है भाई, बहुत समस्या है, इसीलिए बैटरी मतलब टाइम टू टाइम देखते रहो। और कभी भी ये वाली गलती तो बिल्कुल मत करा करो यार, बिल्कुल भी मत किया करो। और ऊपर से अपना जो ये स्टीरियो है एकदम से ख़त्म हो चुका, अभी तक नहीं बना, मतलब 3-4 महीने से बिना इसके चल रहे। कितना बोरिंग लगता है यार गाड़ी को ड्राइव करना। तो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग के घर के जस्ट बगल इधर देखो एक बैटरी का शॉप है, इन्वर्टर का, तो वहाँ पे चार्ज हो जाएगी। लेकिन जिसका दूर खड़ा हो उसका क्या होगा। तो यार कभी भी अच्छा, ये इसकी इसमें ना एक चीज़ अच्छा होता है, जो उस गाड़ी में फॉलो में हेडलैम्प का फीचर आता है वो सही रहता है, लॉक कर दो अपने आप बंद हो जाता है अगर जलता रहता है। वो चीज़ ना हर गाड़ी में देना चाहिए, सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा। चलो भाई चलते हैं और बुला के लाते हैं एक मैकेनिक को इसको स्टार्ट करने के लिए। ये देखो यहाँ पर भी लाइट आ रही है, ये देखो यहाँ पर भी लाइट आ रही है, यहाँ पर भी बहुत हल्की लाइट आ रही है इल्यूमिनेशन की, गेट्स पे भी। अगर इसको मैं ऑन कर दूँ, अच्छा देखते हैं हेडलाइट जल रहा है कि नहीं। हाँ ये मेन चीज़ है, हेडलाइट जल रहा है कि नहीं ये देखते हैं। देखो जल रहा है लेकिन बहुत हल्का, बहुत ही हल्का जल रहा है, बाकी मेन हेडलाइट नहीं जल रहा। मतलब खाली सिर्फ यही DRL ऑन करके हम लोगों ने छोड़ दी थी पार्किंग मोड पे। ये तो इतना मैंने अभी किया, इतना भी खाली पार्किंग मोड पे ऑन था। फॉग लाइट ऑफ है, ऑन नहीं था, फॉग लाइट भी ऑफ था उस पे भाई, एकदम लो गई बैटरी, नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बैटरी भी चेंज कराने का टाइम आ गया है, बहुत ही वीक हो गई है बैटरी यार। बुला के लाते हैं एक मैकेनिक को, इसको फटाक से खुलवाते हैं और देते हैं चार्जिंग पे, फिर थोड़ा जल्दी निकलना है ना इसीलिए। और बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ यार, क्या करूँ टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ दिन बाद कंटिन्यू करेंगे, ज़रूर करेंगे, अभी थोड़ा कुछ काम आ रहा है बीच में, इसको निपटा देते एक बार ना, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे आप लोग के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे यार चैनल छोड़ दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मेरी फैमिली हो, एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, तो उसको कैसे ही छोड़ सकते हैं यार, भले ही वो 2200 की हो या 2500 की हो फिर 5 लाख की हो, उससे मुझे नहीं मतलब, जो है उतना काफ़ी है। तो फटाक से चलते हैं मैकेनिक लेकर आते हैं। अभी भाइयों निकल चुकी है बैटरी और लगा हुआ है चार्जिंग, मैं जाता मार्केट अब तक निकलवा के लगवा दिए, इधर का स्टेल हो गया है ख़राब, नई बैटरी बहुत जल्द लगवाना है। और थोड़ा मैं अंदर दिखाता हूँ अल्ट्रेशन कराया हूँ, अभी का जो अल्ट्रेशन हुआ है, अभी देखो यार कितनी गंदी हो गई, थोड़ा आए थे मैकेनिक सही करने, गंदी हो गई। और देखो यार कितनी मस्त साफ हो गई है सीट्स, नेपाल में हमने इसका ड्राई क्लीन कराया था बढ़िया वाला। अभी ये जो सीट है कोई भरोसा नहीं रहता इसका, चाइनीज प्रोडक्ट, यहाँ पे ये पूरा निकल के बाहर आ गया था, तो इसके जो सीट यहाँ तक आता था ये वाला, तो इसी को अल्ट्रेशन कराएं, भी देखो थोड़ा प्रॉपर नहीं हुआ है, चलो ठीक है काम हो रहा है, बस वही है जो है, चलता है किसी तरह काम। ये देखो अभी इतना जा रहा है, प्रॉपर अभी हुआ भी नहीं है, इतना हो रहा है। ये देखो यहाँ पर इतना उठ रहा है, ये उठाना नहीं चाहिए, यहाँ पर इतना रहना चाहिए, तो ठीक यार फिर से तो ऐसे ही हो गया, ऐसे करके ऐसे, तो जो भी ये कट रही है ज़िंदगी, बाकी चार्ज होती है फिर दिखाते हैं, लाइक करें बहुत जल्द, चलिए हो जाए चार्ज फिर दिखाते हैं। अभी भाई वो फीड कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट तो देखो आ गई है, ये लो और ये ऑन हो गई, मजा आ गया।
देखो सब कुछ रीसेट हो गया होगा, डेट टाइम सब कुछ, ये देखो एक बज रहा है, ये सब अभी सेट करना पड़ेगा फालतू नीचे। बाकी स्टार्ट करके एक बार सेल्फ मारते, मार सेल्फ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो स्टार्ट हो गया, सब कुछ रीसेट है, अभी सब कुछ आ जाएगा और सब कुछ आ गया बढ़िया। चलो ठीक है, एक काम हो गया, मतलब 12:30 बजे दिया था, अभी टाइम इसमें तो गलत बता रहे, मेरे में टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, 5-6 घंटा चार्ज करने के बाद स्टार्ट हो गई। अभी 1 पॉइंट चार्जिंग का मैंने बोला रहने तो लगा दो, उतना तो गाड़ी चलने से अपना चार्ज हो ही जाएगा, अब फटाक से चलते हैं। हाँ तो भाई अभी देखो गाड़ी लेके हम लोग चल दिए हैं, मतलब ऐसे सिली सिली मिस्टेक्स की वजह से काम पूरा बिगड़ जाता है, तो हमेशा यार ध्यान दिया करो आप लोग, कभी भी गाड़ी लगाते समय लाइट साइज चेक कर लिया करो, जिसके में फॉलो में हेडलाइट नहीं आते उसको तो चेक ही करना चाहिए, जैसे कि हमारी सैड लाइफ वाली गाड़ी हमारे में नहीं आते, हमको तो चेक करना चाहिए था लेकिन नहीं किए चेक। अब वही जो होना है वो तो होगा ही, उसको कौन काट सकता है, अब लिखा था सुबह नहीं निकलने का, इस टाइम निकलने का, तो इसीलिए चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी यार एवरेज देखो मैं तो इससे दुखी हूँ, 9 का एवरेज अभी शो कर रहा है, बहुत गंदा एवरेज देता है, कभी कभी दिल दुखी हो जाता है। बहुत टाइम आज व्लॉग डाल रहा हूँ, अगर यार अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाकी चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना, और बाकी बैटरी चेंज करने का टाइम आ ही गया, 3 साल हो गए तो चेंज कराने का टाइम आ गया था, लेकिन चलो ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा वो भी, और ऐसी लाइट्स वाइट्स चेक करके तभी हमेशा गाड़ी छोड़ा करो। अभी गाड़ी मैंने खड़ी कर दी थी, लाइट्स ऑन थी, हो गया डिस्चार्ज, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको सुबह जय हिंद जय भारत वंदे मातरम बाय बाय। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।